हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन विच वी स्टडी द पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा. व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ए बोर्ड एग्जाम? 3 or 4 मार्क क्वेश्चन आस्क ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो लेट अस सी व्हाट इज द टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ये कैसे हमें फाइंड करना है, इसके ऊपर हम पहले आपको क्या करना है, ये दो स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ. दो स्टेप आपको याद रखना है. कौन सी स्टेप? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट. ओके, स्टेप फर्स्ट है हमारे पास. स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास? अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ डैश ऑफ एक्स हम पहले निकालेंगे टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. बाद में एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. वी गेट एक्सट्रीम वैल्यू. फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए पहले क्या करना है, हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है. उसके बाद में हमें एक्सट्रीम वैल्यू निकालना है. एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आएगा हमारे पास x1, x2, x3, या ऐसे हमारे तीन, दो और तीन वैल्यू आ सकती है. दो वैल्यू अगर हमारी x1 एंड x2 दो वैल्यू आ गई, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करना है, इफ एफ एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, मतलब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज लेस देन, अगर 0 है, विच इज लेस देन 0 है एट एक्स इज इक्वल टू x1, मतलब पहली वैल्यू के लिए, ये फर्स्ट वैल्यू के लिए, अगर एक्स इक्वल टू x1 मतलब फर्स्ट वैल्यू के लिए लेस देन 0 है, देन देन x1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, x1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. उसके बाद में सेकंड में क्या है, इसमें ये मैंने फर्स्ट लिखा, सेकंड में क्या है, इफ एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है एट एक्स इज इक्वल टू x2 के लिए, अभी अभी क्या, एट एक्स इक्वल टू x2 के लिए एट द पॉइंट, देयरफॉर x2 इज कॉल्ड मिनिमम, x2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा. ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या है, पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है आपको. एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद में क्या आ गए, x1 x2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना है. उसके बाद में क्या करना है, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आता है तो x1 क्या आएगा, x1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. इफ डबल एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आता है एट x2 के लिए, मतलब सेकंड पॉइंट के लिए, तो x2 इज कॉल्ड क्या करेगा, x2 को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है. ओके, तो इसके पहले ये दो पॉइंट आप अच्छी तरह से रीड कर लो एक बार. अब इसके बाद में देखेंगे हम एग्जाम्पल, इसके ऊपर एग्जाम्पल किस किस प्रकार आता है. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फाइंड. ओके, फाइंड फाइंड द लोकल लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालिए हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x³ - 21x² + 36x - 20. ये हमें एग्जाम्पल दिया है, हमें क्या करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. ये फंक्शन है हमारे पास, हम लिखेंगे गिवन दैट. धीरे धीरे आप मेरे साथ लिख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझ लीजिए एक बार, बाद में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल. गिवन दैट हमें दिया है, गिवन हम लिखेंगे पहले, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 21x² + 36x - 20. ओके, ये हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू
सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 42x प्लस 36, और ये -20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। देर पर हमारे पास क्या आएगा इधर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, मैंने कॉमन निकाला यहाँ पे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6, मतलब क्या होगा अभी। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हमें निकालना है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू हमें निकालना है, तो एक्सट्रीम वैल्यू देर फॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, हम इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं इक्वेशन 2, एफ डैश एक्स को, ठीक है इक्वेशन 2 आ गया इसको, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब क्या आएगा, देर फॉर 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके 6x, ओके ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा 0, मतलब क्या रहेगा हमारे पास, देर फॉर एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके हमें फैक्टर पढ़ना है, फैक्टर निकालना है, हाउ टू फाइंड फैक्टर, आपको पता है पहले फैक्टर कैसे गिरना है, तो फैक्टर क्या करेंगे इसके, फैक्टर आएंगे उसके 6 और माइनस 1 माइनस 6 अगर लेते हैं हम, तो हमारे फैक्टर आएंगे एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 6, ये दो फैक्टर आएंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 6, ओके चलिए इधर लिखते हैं, मतलब क्या हो गया, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 6, ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ क्या करेंगे हम, नाउ डिफरेंशिएट, एफ डबल डैश ऑफ निकालना है हमें, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को क्या करना है हमें, सॉरी इक्वेशन 2 को क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा इक्वेशन 2, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 12x माइनस 42, इसको देते हैं हम इक्वेशन 3, तो हमें क्या करना है अभी, इंट्रो में मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, तो एक्स की जो वैल्यू आती है, एक्स मतलब एक्स वन हमने लिया वहाँ पे, एक्स टू लिया था, तो अभी क्या है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, ये वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 में पुट करके देखेंगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब क्या, एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 42, ओके 12 इंटू 1 माइनस 42, मतलब क्या आएगा ये आएगा हमारे पास माइनस 30, ठीक है एफ ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा हमारा सॉरी यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम 3 में नहीं, यहाँ पे क्या करना है एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गया हमारे पास, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब, तो ये -30 आ गया, -30 क्या आ गया विच इज़ लेस देन 0 है, ओके विच इज़ लेस देन वैल्यू क्या आई है 0 है लेस देन, ठीक है तो क्या करेंगे अभी हम, अभी क्या करना है हमें एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स, अभी एफ ऑफ एक्स मिला नहीं, एफ ऑफ एक्स हैज़ अगर एफ, हमें पहले दिखा था हमने अगर एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आता है तो एफ ऑफ एक्स हैज़ क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये लेस देन आता है तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमम आता है, ठीक है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम वैल्यू, तो अभी क्या करना है फॉर मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ओके इक्वेशन 1 में हमें वो पुट करना है, तो क्या आएगा देयर फॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हमने पुट किया तो क्या 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा -3, विच एफ ऑफ 1 क्या आएगा -3, अभी क्या करना है हमें, अभी फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए हमें दो वैल्यू निकाली थी, अभी 1 के लिए हमने पुट किया तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए, फॉर एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है दूसरे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम।
ठीक है, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स, फॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री क्या था हमारे पास, इक्वेशन थ्री था हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 12x-42, ओके 12x-42 था हमारे पास, ओके तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, देयर फॉर एफ डबल डैश ऑफ सिक्स इज इक्वल टू 72-42, ठीक है, विच इज इक्वल टू 30, विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे आप, आपको ध्यान रखना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आता है तो वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम, ठीक है, ये पॉइंट आपको बीच में ध्यान रखना है, ठीक है, देयर फॉर क्या आएगा यहाँ पे, देयर फॉर एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू अभी चेक करना है, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन वन, जैसे हमने इक्वेशन वन में एक्स इक्वल टू वन पुट किया था, तैसे इक्वेशन वन में सिक्स वैल्यू अभी पुट करेंगे, देयरफॉर क्या आएगा, एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू वैसे आएगा 2 × 6³ − 21 × 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 × 6 − 20, इसको हमने सॉल्व किया था 2 × 216, ओके माइनस 21 × 36 + 36 × 6 − 20, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 432 − 752 + 216 − 20, ओके तो इसको अगर सॉल्व किया तो एफ ऑफ सिक्स हमारे पास आ गया, इसकी सब्ट्रैक्शन ये दोनों नंबर −756 − 20 मतलब आएगा यहाँ से यहाँ पे आएगा −180 विच इज लेस देन 0 है, विच इज लेस देन 0, देयर फॉर ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, देयर फॉर हमें लास्ट लिखना है, देयर फॉर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, देयर फॉर यहाँ पे क्या आएगा, लोकल, देयर फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्या है, -3 एट एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब ये -3 अगर आपको दिखता है तो भी क्या करना है, हमें क्या था एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमम के लिए कौन से पॉइंट के लिए तो अपने को लिखना है, अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमम लिखना है, ठीक है, एक्स लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -3 एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड लोकल मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, लोकल मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एट मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्या है हमारी -128 एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लोकल मिनिमा ये मैंने यहाँ पे एक बताया है और ये बताया, ये आपको करना है, पहले क्या किया हमने फिर से एक बार देख लो, रिपीट रिजन में हमारे पास था फाइंड लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले डेरिवेटिव निकाला उसके बाद में एफ डैश ऑफ एक्स हमारे एक्सट्रीम पॉइंट निकाले हमने, एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के बाद क्या है पॉइंट हो एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू सिक्स, वो पॉइंट क्या कि हमने इक्वेशन टू में मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो निकला है वहाँ पे उसमें हमने डाल दिए, तो क्या है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन अगर हमने डाला यहाँ पे तो क्या आएगा −30 < 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स जब भी लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम आप लिखते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, वो तो क्या है फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो क्या है हमारे पास वो आया 3, अभी क्या करेंगे उसके बाद में हमने लिखा फॉर एक्स इक्वल टू सिक्स के लिए चेक करेंगे, तो एक्स इक्वल टू सिक्स एफ डैश ऑफ एक्स पुट किया हमने, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में, ओके एफ डबल एक्स में पुट किया तो हमारे पास आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30, विच इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या आ गया ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या है एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 अगर है तो मिनिमम वैल्यू के लिए, देयर फॉर एट एक्स इक्वल टू सिक्स एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, ओके तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें चेक करना है, तो पुट एक्स इक्वल सिक्स इन इक्वेशन वन मतलब एफ ऑफ सिक्स यहाँ पे लिखा, वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आ गया −128, लास्ट में हमें लिखना है देयर फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसके लिए आई थी जो फॉर एफ ऑफ एक्स क्या आया था -3 एट एक्स इक्वल टू वन के लिए
एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -128 एट एक्स इक्वल टू 6 के लिए। तो ऐसे आप एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल अपने पास मैं आपको देता हूँ, होमवर्क आपको करना है अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, ठीक है। लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम के लिए आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं उसका, ओके। तो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल हुआ होमवर्क के लिए आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x² + 24x। ये आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये दो पॉइंट के लिए आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है, चेक करना है, तो आपको आ जाएगा ये। अगर एग्जाम्पल आप पॉज करके स्क्रीनशॉट के लिए देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।